अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन क्लास हमारा आज का पैगाम है, उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी। वन क्लास, दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर, क्लास वन, यूनिट टू। दीज आर एंड दोज आर, पेज नंबर 8। टॉपिक क्या है हमारा? रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। Now let's start the lesson. UNIT, unit 2, THESE, these means ye, ARER, R means hain, these are, ye hain, one glass, these are, kareeb ki, zyada cheezon ki taraf ishara karne ke liye these are istemal hota hai, kareeb ki ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दीज आर इस्तेमाल होता है। ए एंड डी, एंड एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, टी एच ओ एस ई, दोज, दोज मीन्स वो, ए आर ई आर, आर मीन्स हैं, एंड दोज आर। वन क्लास, दोज आर जो है वो दूर की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दोज आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे करीब की एक चीज़ के लिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, करीब की एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज़ इस्तेमाल होता है, इसी तरह करीब की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दीज आर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दीज आर इस्तेमाल करते हैं, और दूर की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दोज आर इस्तेमाल करते हैं। Now let's start. T H I S. This. This means ye. T H I S. This. This means ye. I S is. Is means hai. Is means hai. A N N. N mean egg. N mean egg. A E R O arrow. P L A N E plane. Arrow plane. This is an aeroplane. A N D and. And means or, and means or, T H E S E, these means ye, these means ye, A R E R, R means hain, R means hain, C A R S, cars, cars means gaadiyan, cars means gaadiyan, this is an aeroplane, ye ek hawai jahaz hai, and these are कार्स, और ये गाड़ियां हैं। अब हवाई जहाज एक है, तो करीब की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज इस्तेमाल होता है, ठीक है। करीब की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज इस्तेमाल करते हैं, और करीब की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे ये कार्स हैं, करीब की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दीज इस्तेमाल, दीज आर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दीज आर। जैसे कार्स के लिए कितनी कार्स हैं? 1, 2, 3 है ना, तो ये ज्यादा कार्स हैं, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल हुआ? दीज आर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टी एच ए टी, दैट, दैट मीन्स वो, दैट मीन्स वो, टी एच ए टी, दैट, दैट मीन्स वो, आई एस इज, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, पी आई सी पिक, टी यू आर ई चर, पिक चर, दैट इज अ पिक्चर, ए एंड डी, एंड, एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, टी एच ओ एस ई, दोज, दोज मीन्स वो, दोज मीन्स वो, दोज मीन्स वो, ए आर ई आर, आर मीन्स हैं, आर मीन्स हैं, बी डबल ओ के एस, बुक्स, बुक्स मीन किताबें, बुक्स मीन्स किताबें, बुक्स मीन्स किताबें, दैट इज अ पिक्चर, वो एक तस्वीर है, एंड दोज आर बुक्स, और वो किताबें हैं। अब तस्वीर एक है, दूर की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दैट इज इस्तेमाल करते हैं, दूर की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दैट इज इस्तेमाल करते हैं, और दूर की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे ये बुक्स हैं, तो ये बुक्स ज्यादा है ना, तो दूर की
ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दोज आर इस्तेमाल होता है. क्या होता है? दोज आर इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है टी एच ए टी, दैट. दैट मीन्स वो. दैट मीन्स वो. आई एस इज मीन्स है. आ मीन्स एक. आ मीन्स एक. के आई टी ई काइट. काइट मीन्स पतंग. काइट मीन्स पतंग. ए एंड डी एंड. एंड मीन्स और. ए एंड डी एंड. एंड मीन्स और. टी एच ओ एस ई दोज. दोज मीन्स वो. टी एच ओ एस ई दोज. दोज मीन्स वो. ए आर ई आर. आर मीन्स हैं. बी आई आर डी एस बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स परिंदे. बर्ड्स मीन्स परिंदे. परिंदे कौन से? जो आसमान में उड़ते हैं. दैट इज अ काइट. वो एक पतंग है. एंड दोज आर बर्ड्स. और वो परिंदे हैं. अब पतंग एक है आसमान में, जैसे ये आपको नजर आ रही होगी. एक पतंग है तो इसके लिए एक दूर की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दैट इज इस्तेमाल होगा. और दूर की, यानी ये परिंदे दो हैं, बर्ड्स है ना, ज्यादा है, तो दूर की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दोज आर इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट है टी एच आई एस दिस. दिस मीन्स ये. दिस मीन्स ये. आई एस इज. इज मीन्स है. आ मीन्स एक. आ मीन्स एक. जे यू जी जग. जग मीन्स जग. दिस इज अ जग. ये एक जग है. टी एच ई एस ई दीज. दीज मीन्स ये. दीज मीन्स ये. दीज मीन्स ये. ए आर ई आर. आर मीन्स हैं. ए आर ई आर. आर मीन्स हैं. आर मीन्स हैं. जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस. ग्लासेस. ग्लासेस मीन ग्लास. ग्लासेस मीन्स ग्लास. अब दिस इज किसके लिए इस्तेमाल होता है? करीब की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए. जैसे ये जग है, ये एक है, तो करीब की एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज इस्तेमाल करते हैं. और करीब की ज्यादा चीजों के लिए, जैसे ये ग्लास है, तो ये ग्लास ज्यादा है. वन टू थ्री, तीन है, यानी ज्यादा है. तो करीब की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दीज आर इस्तेमाल होता है. क्या होता है? दीज आर इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अ जग. ये एक जग है. दीज आर ग्लासेस. ये ग्लास हैं. ये ज्यादा हैं, ठीक है ना? ग्लासेस ज्यादा हैं. तो वन क्लास, उम्मीद है आपको दीज आर और एंड दोज आर की समझ आ गई होगी. एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. दीज आर करीब की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दीज आर इस्तेमाल करते हैं. और दूर की ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए दोज आर इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद है आपको वन क्लास दीज आर एंड दोज आर की अच्छे से समझ आ गई होगी. आपने इस रीडिंग को अच्छे से याद कर लेना है. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.